आज बनाएंगे साल भर स्टोर करने वाले आलू के चिप्स, और आलू के चिप्स के साथ भी बनाएंगे छिलके के चिप्स। ये हमने बड़े साइज के आलू ले लिए हैं और इसे अच्छे से धो लिया है। छिलके में बिल्कुल भी मिट्टी या कचरा नहीं रहना चाहिए। इसे अब हम छील लेंगे। छील के आलू रेडी हो गए हैं, अब हम इसके चिप्स बना लेंगे। चिप्स भी बनके रेडी है। चिप्स देखो फ्रेंड्स, एकदम बड़ी साइज में बनके रेडी हुई है। अब हम ले लेंगे पानी वाला बड़ा पतीला। इसमें डाल देंगे हम थोड़ी फिटकरी। फिटकरी डालने से चिप्स एकदम व्हाइट बनते हैं, लेकिन याद रखना कि फिटकरी की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई तो तलने के बाद आपके चिप्स एकदम लाल हो जाएंगे और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो फिटकरी को आप ध्यान में रखते हुए ही यूज़ कीजिएगा। अब हमने ले लिया है दूसरा पतीला, इसमें भी डाल देंगे हम एकदम पिंच फिटकरी। इसमें हम ऐड करने वाले हैं आलू के छिलके के चिप्स। हाँ फ्रेंड्स, सही सुना आपने, ये है छिलके, इसके हमें चिप्स बनानी है। ये छिलके हम पानी में डाल देंगे। आलू के चिप्स और छिलके के चिप्स को हमें रात भर ऐसे ही पानी में भिगोकर रखना है। इस पे हम लगा देंगे ढक्कन। रात भर भिगोए हुए आलू के चिप्स हैं, इसे अब हम दो से तीन बार अच्छे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाएगा। इसी तरह छिलके में भी जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकालने के लिए इसे हम दो से तीन बार अच्छे पानी से वॉश करेंगे। गैस पे चढ़ा दिया है हमने पानी वाला बड़ा बर्तन। पानी हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे व्रत में यूज़ करने वाले नमक। अगर आप बिना नमक के चिप्स बनाना चाहते हो तो नमक आप इसमें ऐड मत कीजिएगा। और ले लेंगे थोड़ी फिटकरी। फिटकरी का यूज़ हमने दो बार किया है, इसलिए ध्यान में रखते हुए ही फिटकरी को डालना। फिटकरी और नमक को हमने पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू के चिप्स। इतने पानी में कितने चिप्स आते हैं उस हिसाब से आप चिप्स को ऐड कीजिए और 5 मिनट तक ढककर आप इसे पका लो। चिप्स हमारे कितने उबले हैं हम चेक करेंगे। करीबन उबलते हुए इसे 7 मिनट हो गया है। चम्मच से पहले हम चिप्स को ऊपर नीचे कर लेंगे। एक चिप्स को हम उठाएंगे। चिप्स काफ़ी गर्म है और दबा कर देखेंगे। नहीं फ्रेंड्स, अभी तक चिप्स हमारे अच्छे से उबले नहीं है और चिप्स को हमें 80% तक ही पकाना है। एक्स्ट्रा कुक हो गए, एक्स्ट्रा उबल गए तो वो टूट जाएंगे और इसमें क्रैक्स भी पड़ सकते हैं। वापस 5 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। चिप्स हमारे अच्छे से उबल गए हैं। इसे हम छन्नी की सहायता से निकाल लेंगे और इसे हमें धूप में सुखाना है। उसी पानी में हमने डाल दिया है नमक। नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डाल देंगे छिलके के चिप्स। इसे हमें 8 से 9 मिनट तक ही पकाना है। इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसे अब हम चेक कर लेंगे और अगर अच्छे से पक गए होंगे तो इसे भी हम निकाल देंगे। आलू के चिप्स और छिलके के चिप्स को हमें अच्छे से धूप में सुखा लेना है। सूखने के बाद इस तरह से हमारे आलू के चिप्स रेडी हो गए फ्रेंड्स। अगर एक दिन में आपके चिप्स अच्छे से नहीं सूखे हैं, इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर है, तो दूसरे दिन आप उसे वापस धूप में अच्छे से सूखा देना, नहीं तो ज़्यादा दिन तक आपके चिप्स अच्छे नहीं रहेंगे। और ये है छिलके के चिप्स, ये भी अच्छे से सूखकर इस तरह रेडी हो गए हैं। हमारे दोनों चिप्स कैसे बने हैं वो हम तल कर भी चेक कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें हम डाल देंगे चिप्स। देखो फ्रेंड्स, चिप्स एकदम
बढ़िया तल गए और एकदम वाइट कलर इसमें आ गया है। इसी तरह हम और दूसरे चिप्स भी तल लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे छिलके के चिप्स। छिलके के चिप्स आप बनाकर इसका यूज़ चिवड़ा बनाते हो उसमें भी कर सकते हो, या तो ऐसे ही तलकर बच्चों को आप चाट मसाला या तो पेरी पेरी मसाला डालकर दोगे तो भी काफ़ी टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स, आप छिलके के चिप्स एक बार ज़रूर बनाओ और बनाकर कैसे लगते हैं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे आलू के चिप्स तलकर रेडी हो गए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कैसे लग रहा है। देखो फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्पी बने और आराम से इजीली एक ही हाथ से टूट जाते हैं। अब हम ऊपर से इसमें कर देंगे मसाले। अगर आपको मसाले नहीं करने हैं, ऐसे ही पसंद है तो आप ऐसे भी खा सकते हो। थोड़ा डालेंगे नमक, ये हमने ली है पीसी हुई चीनी। अगर आपको चीनी पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और ऊपर से डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर से क्या है कि ज़्यादा तीखा भी नहीं लगेगा और इससे कलर अच्छा आएगा, इसलिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। सारे मसाले को हम चिप्स में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखो फ्रेंड्स, बन गए हमारे मसाले वाले आलू के चिप्स। अब हम इसे साइड में रखेंगे और छिलके के चिप्स है वो भी तलने के बाद इस तरह से दिखते हैं। फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखो, ये भी काफ़ी क्रिस्पी बने हैं। आप एक बार फ्रेंड्स ज़रूर इसे ट्राई करना। तो रेडी हो गए फ्रेंड्स हमारे साल भर स्टोर करके रखने वाले आलू के चिप्स और साथ में आलू के छिलके के चिप्स। Thank you.